दोस्तों आजकल एसी काफी सारे हो गए हैं, काफी ज्यादा ब्रांड्स के एसी मार्केट में आ रहे हैं। आप में से काफी सारे लोगों ने डाइकिन, ओ जनरल, हिताची, एलजी और वगैरह वगैरह डिफरेंट एसीज यूज करे होंगे या नाम सुने होंगे। बट एक जाना माना ब्रांड है इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में, अगर मैं बात करूं तो सैमसंग जो है वो बहुत ही बड़ा नाम कहलाता है मार्केट में। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की जाए तो सैमसंग की टीवीज हो, मोबाइल्स हो और वगैरह वगैरह इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आते हैं, सभी में सैमसंग अपना एक धाक जमाता है। बट एसी ऐसा सेगमेंट है जहां पर सैमसंग जो है वो थोड़ा सा डाउन रहा है पिछले कुछ सालों में। इसी को देखते हुए सैमसंग ने दोस्तों अपनी नई विंडफ्री सीरीज लॉन्च करी है। इसे लॉन्च करे लगभग 8 साल हुआ है अभी सैमसंग को और काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मार्केट का। इसका अच्छा रिस्पांस मिलने के वो 5 बड़े कारण जिससे आपको अगर एक नेक्स्ट एसी परचेस करना है अपना, तो आपको वो कौन से कारण है जिसको जानकर अपना नेक्स्ट एसी सैमसंग विंडफ्री लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। 5 बड़े कारण बताऊंगा और साथ ही साथ जो ये नया रिमोट आया है सैमसंग का, इसमें कुछ अलग फीचर्स आए हैं, काफी लोगों को कंफ्यूजन होती है समझ में, इसी वीडियो में मैं आपकी इस कंफ्यूजन को भी दूर कर दूंगा। तो आइए चलते हैं, जानते हैं कुछ खास फीचर्स और साथ ही साथ समझते हैं नए सैमसंग के एसी रिमोट को। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे, मैं रजत, रजत चैनल में आपका स्वागत करता हूं और स्पीड से वीडियो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कारण से जिस वजह से इस एसी को मैंने चूज किया अबव अदर पॉपुलर ब्रांड्स। वो सबसे बड़ा कारण दोस्तों इसका डिजाइन। दोस्तों जब मैं मार्केट में गया तो मैंने देखा ये एसी जनरली ग्लॉसी फिनिश के साथ आते हैं या पूरे आगे से प्लेन होते हैं। ये पहला ऐसा डिजाइन है जिसमें ये देखिए छोटे छोटे माइक्रो होल्स दिखते हैं। मैंने जब वहां के कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव से पूछा था स्टोर के, तो उन्होंने मुझे इस टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन करा। ये एक्चुअली विंडफ्री जो सीरीज निकाली है सैमसंग का जो प्रोप्राइटरी है, इसमें ये कहता है सैमसंग 23,000 होल्स आते हैं इसमें, सैमसंग ने ऐसा डिजाइन किया है। अब इसका फायदा क्या है दोस्तों, सैमसंग कहता है जैसे रात भर आपका एसी चलता है, एक पॉइंट ऐसा आता है तेज हवा जब लगती है आपके शरीर को, आपको काफी अनकंफर्टेबल सा लगता है, तो आप विद अ प्रेस ऑफ अ बटन, कि मैं भी रिमोट का बताऊंगा अभी, हालांकि आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा डॉट डॉट से बने हुए, इसको आप जैसे ही प्रेस करेंगे ये तुरंत ही आपका एसी का जो फ्लैप है ये बंद हो जाएगा। मैं आपको दिखा दूँ हाथ के आधे फीचर, देखिए ये बना हुआ है, अब एसी जो है ये खुला हुआ है, फ्लैप दिखाइए। अब यहाँ पर मैं इस रिमोट के ऑप्शन को चूज करता हूँ, अब देखिए आप यहाँ पर खड़े होकर फील कर सकते हैं मैं आप खड़ा हूँ, अच्छी खासी हवा मुझे पता लग रही है, मगर आवाज़ बहुत कम हो गई है। आवाज़ कम होने के साथ साथ दोस्तों इसमें जो होल्स है इसके थ्रू ही एक मॉइस्ट मिस्ट एयर सी आ रही है जो कि अच्छी लग रही है, बट बिल्कुल भी मेरे बॉडी को तेज़ हवा नहीं लग रही, जो काफ़ी लोगों को, किसी किसी को एलर्जी भी होती है किसी और, काफ़ी लोगों को अनकम्फर्टेबल भी लगता है दोस्तों। तो पहला मेरा कारण था इस एसी को लेने का इसका यूनिक डिजाइन जो कि है विंडफ्री सीरीज सैमसंग की। दोस्तों दूसरा कारण मेरा सैमसंग का विंडफ्री एसी परचेज करने था इसका एयर थ्रो। दोस्तों इसका एयर थ्रो काफी शानदार है, आप ये समझ सकते हैं यहां पर अगर बंदा बैठा है तो लगभग अप्रोक्सीमेटली 30 फीट दूर भी आपको हवा आराम से आती है, तो ये काफी कमाल की बात है। मैं ये तो नहीं कहूँगा जो 35 या उसके अबव कहता है सैमसंग वो कितना सही है, बट 25 टू 30 आराम से हवा आती है। और मेरा जो कमरा है वो लगभग 220 स्क्वायर फीट से के आसपास का ही कमरा है, मुझे कभी भी एयर थ्रो की दिक्कत नहीं लगती है, जो कि मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मेरे पिछले एसी के साथ, उसका कभी भी एयर थ्रो मुझे सफिशिएंट नहीं लगा। जो बंदा बेड पर सोता था वहां तक तो हवा आती थी, और जो थोड़ा सा दूर बंदा सोएगा उसको बिल्कुल भी हवा फील नहीं होती थी, तो बहुत ही अजीब सा माहौल हो जाता था। एक बंदा तो काफ़ी अच्छा फील कर रहा है एटमॉस्फेयर, दूसरे को मज़ा नहीं आता है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से, मेरे लिए तो फिलहाल ये बहुत बड़ा मेजर कंसर्न रहता है, एयर डिलीवरी या एयर थ्रो जो होता है वो किसी भी प्रोडक्ट की, स्पेशली एसी की बात करें तो बढ़िया होनी चाहिए। तो मेरा दूसरा कारण इस एसी को परचेस करना था एयर थ्रो। दोस्तों तीसरा बड़ा कारण, या मैं ये कहूँ कि काफ़ी लोगों का कंसर्न रहता है स्पेशली एक एयर कंडीशन परचेस करते समय, कि ये बिजली कितनी खाएगा, इसीलिए आजकल ये इन्वर्टर मॉडल्स चल गए हैं। इन्वर्टर मॉडल्स बेसिकली जो बोलते हैं कि ये आपका बिजली का बिल कम से कम 20-25% बचा लेते हैं। अब ये दोस्तों बहुत ही सब्जेक्टिव है, क्योंकि इसके लिए डिफरेंट कंडीशंस इसके फेवर में होने चाहिए तो ही आपको कुछ फर्क पता लगता है इसकी। हालांकि हम बात सेपरेट वीडियो में करेंगे जिसमें मैं आपको क्लियरली और प्रैक्टिकली भी आपको दिखाऊंगा कि क्या
और कितना हमारा एसी जो इन्वर्टर है बचाता है नॉर्मल एसी के मुकाबले। हालांकि दोस्तों एक अच्छा फीचर मुझे इसमें लगा, जिस वजह से मेरा तीसरा पॉइंट बना इस एसी को परचेज कर समय, वो है दोस्तों अगर हम ऑप्शंस पे जाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ यूजेज का ब्लिंक हो रहा है। मैं अगर सेट पे क्लिक करता हूँ तो ये यूनिट्स बताता है कितना यूज़ कर चुका है। अब ये 2.3 दिखा रहा है यहाँ पर, इसका मतलब है ये 2.3 यूनिट्स खर्च कर चुका है अभी जितना टाइम तक मैंने एसी चलाया है। गर्मी दोस्तों बहुत हो रही है, एसी भी अब लगभग 2-2.5 घंटे से ऊपर चल चुका है। तो हालांकि यूनिट्स की बात अगले में करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। दोस्तों ये था हमारा तीसरा पॉइंट जिसमें हमें यूनिट्स पता लगती हैं अपने एसी के द्वारा लाइव चलते समय। दोस्तों जो चौथा बड़ा फीचर था जिस वजह से मैंने इस एसी को परचेज करा, वो है इसका स्मार्ट थिंग्स ऐप। स्मार्ट थिंग्स ऐप एक वाईफाई इनेबल्ड टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू आप इस एसी को दुनिया में किसी भी कोने में रहकर आप इस एसी को कंट्रोल कर सकते हैं। सिर्फ आपको उसके लिए क्या करना होगा, अपना जो पावर सप्लाई है उसको ऑन रखना होगा ताकि ये आपके वाईफाई से कनेक्ट रहे। स्मार्ट थिंग ऐप्स की एक डिटेल वीडियो जिसमें सारे फीचर्स प्रोज ऑन कॉन के साथ आपको एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा जो कि मैं अगले 2-3 वीडियो में से एक वीडियो बना दूंगा। हालांकि इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में स्मार्ट थिंग ऐप्स नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो अगेन बहुत लंबी हो जाएगी, काफ़ी सारे फीचर्स हैं स्मार्ट थिंग ऐप्स में बोलने के लिए। तो फिलहाल के लिए दोस्तों स्मार्ट थिंग ऐप्स का मेन फीचर्स क्या था कि आप दुनिया में कहीं बैठे अपने एसी को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि कई बार दोस्तों ऐसा होता है आपका रूम बहुत गर्म रहता है, आप कहीं बाहर से आ रहे हैं, एकदम से आप आएंगे एसी उतना चिल नहीं कर पाता है। जो अभी आप एडवर्टीजमेंट देखते हैं कि तुरंत बैठे 5 मिनट कूल कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है दोस्तों, ये सब फर्जी बातें हैं। तो पर्सनली दोस्तों मुझे ये फीचर काफ़ी काम का लगा। आप कहीं से भी अपना एसी ऑन ऑफ कर सकते हैं, टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, फैन की स्पीड सेट कर सकते हैं वगैरह वगैरह। एक्चुअली आप पूरे एसी को ही कंट्रोल कर सकते हैं। आई होप आपको चौथा पॉइंट अच्छा लगा होगा कि आपका विंड फ्री एसी जो है वो वाईफाई इनेबल्ड भी आता है। दोस्तों जो पांचवा फीचर जिसकी वजह से मैंने ये एसी परचेज करा है वो है इसका वेलकम कूलिंग फीचर। ये फीचर आपको स्मार्ट थिंग्स ऐप में ही देखने को मिलता है। वह मैं दिखा दूँ आपको ताकि आप विश्वास करें। ये देखिए मैं ऐप, ये स्मार्ट थिंग्स ऐप है इसकी। तो दोस्तों ये तो मैं डिफरेंट किसी वीडियो में बताऊंगा आपको। ये जो आपको लास्ट फीचर बताना था वो है वेलकम कूलिंग का। जो मुझे 5 बड़े फीचर थे उसमें 5th मेरे पॉइंट में आता है वेलकम कूलिंग। अब वेलकम कूलिंग पर क्लिक करते हैं, देखिए ऑफ है, मैं ऑन करता हूँ सेट। अब देखिए दोस्तों इसमें लोकेशन वोकेशन मांग रहा है, तो मैं आपको बता दूँ करना क्या है। एक्चुअली में आपको अपने एरिया होम सेट करना है कि आपका एसी किधर पे लगा हुआ, लोकेशन के हिसाब से आ जाएगा उस ऐप पर। फिर आपको रेडियस तय करना है कि आप कितने रेडियस में आते हैं अपने एसी के पास, तो ये आपका एसी जो है नोटिफिकेशन भेजेगा, ऐप जो है आपको नोटिफिकेशन भेजेगी फ़ोन पर कि क्या आप अपना एसी ऑन करना चाहते हैं। तो जैसे ही वो नोटिफिकेशन आएगी अगर आप यस क्लिक करेंगे तो आपका एसी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों ये मुझे काफ़ी अच्छा फीचर लगा क्योंकि आप सडनली आते हैं बाहर से आ रहे हैं, कई बार आप भूल जाते हैं, मिस होता है दिमाग से, एकदम से गर्म कमरे में आएंगे, स्पेशली आपका टॉप फ्लोर का रूम है तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है रूम। इसको देखते हुए दोस्तों मुझे लगा कि सैमसंग ने काफ़ी सोच समझ के ये फीचर दिया है अपने ऐप में, और आई थिंक आप में से काफ़ी सारे लोगों की ये प्रॉब्लम रही होगी। कई बार आप भूल गए होंगे, फिर आप आधे घंटे यहाँ बैठे हुए रूम में बिल्कुल चिलचिलाती गर्मी में, आपको लगा कि अगर हम पहले से ऑन कर देते हैं क्योंकि आपका वाईफाई इनेबल्ड एसी है तो आपको फ़ायदा रहता। तो अगेन सैमसंग ने ये भी चीज़ दूर कर दी आपकी। ये थे दोस्तों 5 मेजर फीचर जिस वजह से मैंने सैमसंग का विंड फ्री एसी परचेज करा, और आपको भी अगर ये एसी परचेज करना है तो आई थिंक आपके लिए ये 5 बड़े कारण गौर फरमाने के लिए मौजूद हैं। अब चलते हैं फाइनली अपने रिमोट की तरफ, और रिमोट की तरफ देखते हैं कि कौन से फीचर्स आपका रिमोट ऑफर करता है जो सैमसंग के अब नए रिमोट आ रहे हैं एसी में। तो दोस्तों ये ऐसा कुछ दिखता है सैमसंग का रिमोट। ये बटन तो आप देख ही सकते हैं पावर ऑन ऑफ का है। इसमें आप मोड कंट्रोल कर सकते हैं जो कि मॉनसून मोड है, ड्राई रहता है, एक ऑटो मोड है। तो जो है ये वर्टिकल मूवमेंट का, जैसे मैंने अभी वर्टिकल मूवमेंट ऑफ कर रखी है तभी यहाँ पर साइन नहीं आ रहा है, देख सकते हैं आप। ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑन है तभी ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, अगर आप गौर से देखें तो। एसी जो है वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, हालांकि थोड़ा ब्लैक ज़्यादा आ रहा है, हो सकता है आपको पता ना लगे। तो जैसे ही यहाँ से मैं हॉरिजॉन्टल, अब देखिए मैं यहाँ ऑफ करता हूँ या क्लिक करता हूँ तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जिस पॉइंट पर था वहीं रुक जाएगा। ये मैंने फिर क्लिक करा है और अब ये फिर ऑन हो जाना चाहिए। तो रिस्पांस टाइम काफ़ी अच्छा है दोस्तों रिमोट से एसी का, तुरंत ही आपका ये मूवमेंट होने लगा है। तो दोस्तों ये है वर्टिकल मूवमेंट वाला और ये है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट वाला। और दोस्तों बगल में जो आपको ऑप्शन है फास्ट मोड दे रखा है,
फास्ट मोड पे आपकी फैन स्पीड फुल पे चलती है, कंप्रेसर भी फुल पे चलेगा। तो एसी कोशिश करता है आपने जो जैसे मैंने 27 डिग्री डाल रखा है, मेरा रूम का टेम्परेचर मैं चाहता हूँ कि 27 डिग्री आ जाए, तो वो मेरे लिए सफिशियंट होगा। मैं इजीली अपना स्लीप भी कर सकता हूँ, कोई काम वाम होगा तो मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं कि मुझे 22-23 टेम्परेचर चाहिए अपने रूम का। तो ये तो हो गया फास्ट मोड, अगर आपको फटाफट से कूल करना है। ये मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था जब मैं विंड फ्री ऑप्शन बता रहा था, जैसे ही आप क्लिक करेंगे फ्लैप ऑफ हो जाएगा और विंड फ्री मोड ऑन हो जाएगा। फैन का ऑप्शन है दोस्तों, ये फैन के ऑप्शन से आप देख सकते हैं ये ऑटो पे आ गया, अपने आप एडजस्ट होगी स्पीड। ये वन स्पीड है, ये टू आ गई दोस्तों, और ये फुल स्पीड आ गई। टाइमर का ऑप्शन है, आपको टाइमर लगाना है अपने एसी में कि आप कितनी देर तक चलाना चाहते हो, 1 घंटा 2 घंटा 30 मिनट, तो आप इसके थ्रू आराम से लगा सकते हैं। दोस्तों ऑप्शंस की तरफ, तो ये दोस्तों ऑप्शन आ गए, 27 डिग्री मैं अचीव करना चाह रहा हूँ रूम में, अभी 29 डिग्री अचीव कर लिया है एसी ने। अब दोस्तों आप देखिए, जैसे मैंने ऑप्शन दबाया तो इसमें कौन कौन से आते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो सबसे पहले आता है दोस्तों ये डिस्प्ले, अब डिस्प्ले में जैसे मैं सेट करूँगा देखिए डिस्प्ले बंद हो जाएगी इसकी। अगला ऑप्शन देखते हैं जिसपे ब्लिंक करता रहेगा, वो चीज़ सेलेक्ट हो रखी है इसमें, अब साइड इसमें ये एरो बटन से लेफ्ट राइट करने के लिए, ये फ़िल्टर रीसेट है। अब दोस्तों आपको पता है किसी भी एसी का फ़िल्टर जो होते हैं वो समय समय पे क्लीन करने ज़रूरी है, वो ब्लॉक होने से एक तो उसका एनर्जी कंजम्पशन बढ़ जाता है और साथ ही साथ जो आपकी कूलिंग है वो भी काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। तो फिल्टर रीसेट का ऑप्शन जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे, आप 1 वीक डालें 2 वीक डालें, उस हिसाब से आपका एसी जो आपको रिमाइंडर सेट करेगा और आपका फिल्टर रीसेट हो जाएगा। आपको 1 हफ्ता हटाकर, जैसे आपने 1 हफ्ता सेलेक्ट किया था उसको हटा के 2 हफ्ता लगाना है, तो आपको 2 हफ्ते बाद का रिमाइंडर आएगा। दोस्तों क्लीन मोड पर जैसे ही मैं क्लीन में शिफ्ट करूँगा तो क्लीन मोड ऑन हो जाएगा और ये एसी 1 से लेकर 100% तक क्लीन मोड करेगा, जो कि अराउंड 5 to 7 मिनट्स लेता है, और इसमें आपका एसी क्लीन हो जाता है। ये मैं ऐप के थ्रू आपको बताऊंगा, उससे मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, ऑप्शन मैं रिमोट से कम यूज़ करता हूँ। ये बीप का फीचर है दोस्तों, सेट करूँगा तो देखिए बीप की वॉइस वापस आ गई है, अभी तक बीप की आवाज़ नहीं आ रही थी क्योंकि मैंने बीप की आवाज़ ऑफ कर रखी थी। अब देखिए डिस्प्ले दोबारा दबाऊँगा, मैं डिस्प्ले पर जाता हूँ तो डिस्प्ले अभी ऑफ है, देखिए बीप के साथ ऑन हो गया, यानी कि मैं बीप यानी कि साउंड भी कंट्रोल कर सकता हूँ और डिस्प्ले भी ऑन ऑफ कर सकता हूँ ऑप्शन फीचर से। बच्चे पे देख ले रहे दोस्तों, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो सेटिंग है इस रिमोट में दे तो रखी है, क्योंकि सैमसंग जैसे फ़ोनों में करता है वैसी एसी के साथ भी किया, जो कि मुझे सबसे बड़ा ड्रॉबैक लगा है सीरीज़ का। डिटेल में तो किसी और वीडियो में शेयर करेंगे, बट मैं आपको बता दूँ इनडायरेक्ट और डायरेक्ट मोड जो है वो दूसरे एसी में आते हैं, इसमें वो सेंसर अवेलेबल ही नहीं है, की वजह से ये फीचर काम नहीं करता है। आप प्योरीफाई जाएंगे तो ये आप जैसे ही क्लिक करेंगे प्योरीफाई पे तो ये एसी जो है प्योरीफाई करने लगा है जैसा ये कहता है, बट ऐसा तो मुझे कुछ खास फील होता नहीं है। क्वाइट पे जाएंगे तो आपका एसी जो है बिल्कुल लो फैन सेटिंग पे चलेगा, इस वजह से आपकी जो नॉइज़ लेवल है बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगी। अब आपको अपना एसी लग रहा है कि बचाना है, मेरा रूम तो अच्छा खासा ठंडा हो गया है तो मैं थोड़ी पावर बचा लूँ, तो जैसे ही आप इको मोड ब्लिंक हो रहा है जैसे ही मैं इसको सेट करूँगा तो ये अपने कंप्रेसर की स्पीड को कुछ हल्का कर देगा, जिस वजह से आपकी पावर कंजम्पशन पहले के मुकाबले कम खर्च होगी। लास्ट ऑप्शन दोस्तों, जैसे कि इसमें अगेन थोड़ा सा अजीब सेटिंग है इसकी, आप यहाँ से भी फास्ट मोड सेलेक्ट कर सकते हैं और इस बटन से भी, जहाँ से भी आप सेलेक्ट करेंगे काम एक ही तरह करेगा, टर्बो स्पीड फैन चलेगा और फुल पर आपका कंप्रेसर वर्क करेगा। तो दोस्तों ये थे सारे फीचर्स और रिमोट के थ्रू मैंने प्रैक्टिकली आपको दिखाया कि कैसे आप अपना नया सैमसंग का विंड फ्री एसी कंट्रोल कर सकते हैं, क्या क्या फीचर आपके इस मॉडल में आते हैं जो करेंटली मैं यूज़ कर रहा हूँ। बाकी दोस्तों आपके कोई और सुझाव हो, कोई और चीज़ पर आप वीडियो देखना चाहते हो, या इसी मॉडल के एसी पे कुछ नई चीज़ जानना चाहते हो, एसी से रिलेटेड कोई और क्वेरी हो, क्योंकि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन भरी वीडियोस पड़ी हुई है यूट्यूब पे मैंने जो अभी पाया है, और साथ ही साथ मार्केट में आप जिस भी ब्रांड के यहाँ जाओगे वो अपने ही ब्रांड की तारीफ करेगा। तो दोस्तों अगर कोई भी इस चीज़ में मेरी मदद हो सकती है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी उस प्रॉब्लम की क्वेरी का सोल्यूशन लेके आ जाऊँगा। दोस्तों जाने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दें ताकि हमें ऐसे ही अनबायस प्रैक्टिकल वीडियोस आपके लिए बनाने में हमें हेल्प मिले और लगातार मोटिवेशन मिलती रहे। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो हम एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।